नमस्कार। तो आज आप हम ऑयल इंडिया लिमिटेड स्टॉक के ऊपर बात करेंगे और ऑयल इंडिया स्टॉक के ऊपर आप अपडेट भी चेक करेंगे, क्योंकि ऑयल इंडिया स्टॉक ने पिछले 2-3 दिनों में काफ़ी बड़े रैली किए। क्वार्टर वन के नतीजे के बाद स्टॉक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ नज़र आ रहा है। इसी के साथ आप लोग देखोगे तो देख सकते कि क्वार्टर वन में जो प्रॉफिट हुआ था 2000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, 2016 करोड़ का, और पिछले जून में था 1400 करोड़ का प्रॉफिट। आई मीन 600 करोड़ ज़्यादा प्रॉफिट ईयर वन ईयर देखने को मिला, पर पिछले क्वार्टर से जो है 300 करोड़ का लॉस होते हुए दिखाई दिया, क्योंकि 300 करोड़ कम प्रॉफिट आया है। मार्च क्वार्टर में 2300 करोड़ का प्रॉफिट था। इसके अलावा आप लोग फंडामेंटल भी देखोगे कंपनी के तो पी रेशो काफ़ी अच्छा है, 14 का पी रेशो जो कि इंपॉर्टेंट है, 17 का ROC है, रिटर्न ऑन इक्विटी 18 का है, और EPS जो है 41 रुपीज़ का है। सेल्स ग्रोथ में आप लोग देख सकते कि 8% अफ है कंपनी, और इसी के साथ प्रॉफिट ग्रोथ में जो है 7% अफ है। प्रॉफिट प्लस सेल्स ग्रोथ भी इंपॉर्टेंट है। प्रमोटर होल्डिंग 57% तक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग देखोगे डेब्ट टू इक्विटी 0.50 है। बाकी रिसेंटली कोई इंपैक्टफुल न्यूज़ नहीं है।